फ्लिपकार्ट ने लॉन्च कर दिया अपना फ्लैगशिप मोबाइल कूल प्ले 6। मैं दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कूल प्ले 6 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके रिव्यू बारे में, और मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि फोन कैसा है, इसे फोन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अपडेट्स के लिए। दोस्तों कूलपैड ने ये फोन लॉन्च किया है, अभी सिर्फ दुबई में, इंडिया में भी लॉन्च नहीं किया है कुछ रीजंस की वजह से। सबसे इंटरेस्टिंग इस फोन की ये बात है कि इसमें 6GB का रैम आपको मिल जाएगा और स्नैपड्रैगन का C53 का चिपसेट मिल जाएगा, और साथ ही में आपको 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा विद LED फ्लैश मिल जाएगा, जिसका अपर्चर 2.0 है जो कि काफी अच्छा है, और साथ में आपको 5.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा आपको कैमरा बटन के जस्ट नीचे, और फिर आपको ये जो इसमें 3 बटन मिलेंगे, आपको टच पैसिव बटन है, और साथ में ये पावर्ड है एंड्रॉइड 7.1.1 नोगट के साथ। इसका वेट आपको 173 ग्राम मिल जाएगा, और इसमें जो यूज हुआ है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर हुआ है। ऑक्टा कोर 8 कोर, मतलब कि एक कोर समझ, जैसे एक्सप्लेनेशन के लिए समझ लीजिए, एक कोर मतलब एक गेट, 8 कोर मतलब 8 गेट, 8 रास्ता से डेटा इधर उधर आना जाना करते रहेगा, तो वैसे आसानी होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि इसका जो बैटरी है, बैटरी दमदार बैटरी है, 4060 mAh का बैटरी है, और इसमें जो सेंसर लगे हैं, 2 सेंसर, एक आगे एक पीछे, पीछे जो वो कलर सेंसर है और आगे में जो वो ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है। इसका प्राइस जो है वो 14,999, मतलब कि 15,000 में एक आपको अच्छा मोबाइल मिल जाएगा। 6GB रैम कम से कम देखने में तो लगेगा ना कि 6GB रैम है, बस ये देखना है कि ये अब कैसे मैनेज करता है अपना 3 कोर 8 प्रोसेसर, 8 कोर का प्रोसेसर है, तो 8 कोर के प्रोसेसर को मैनेज करने के लिए पता नहीं कैसे करता। अगर अच्छे से मेंटेन कर लिया होगा तो इसमें हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर अच्छे दिक्कत होगा तो हीटिंग प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा। बाकी इसके लुक्स में आएंगे तो इसका लुक्स कुछ वैसा अट्रैक्टिव है नहीं। इसके डिस्प्ले के चारों तरफ ब्लैक बाउंड्री बना हुआ है, जो कि काफी धब्बा कर रहा, फोन का इंप्रेशन और खराब कर दे रहा। वैसे इसका सर्विस देखे तो कूलपैड का कुछ कह नहीं सकते, हमेशा डामाडोल रहता है, कभी इधर कभी उधर लेट, वैसे तो हर फोन का हो रहा है। वैसे ओप्पो और वीवो को टक्कर देने के लिए फोन अच्छा है, क्योंकि ओप्पो और वीवो सिर्फ कचरा फैला रहे हैं दुनिया में, मार्केट में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, बस ओप्पो और वीवो बस अपने ऐड कर रहे हैं ऑफलाइन में, ये जो है आपको amazon.in से मिल जाएगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस देखें तो आपको इस रेंज में ऐसा मोबाइल जल्दी नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको 6GB का रैम मिल जाएगा, और सबसे बड़ा बात इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 653। बाकी देखते हैं इसे मार्केट में आने के बाद ये फोन कैसा चलता है, अच्छा चलता है नहीं चलता है। बाकी चलना तो अच्छा चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन इसका सबसे बहुत अच्छा है, अभी इस प्राइस रेंज में 15,000 जो कि भी बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको। इसमें हीटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ऑक्टा कोर मोबाइल है, और इसमें जो है आपको हीटिंग प्रोसेस इसलिए होगा क्योंकि 8 कोर मतलब 8 रास्ते, 8 तरफ डेटा आना जाना करेंगे, तो आपको हो सके तो प्रॉब्लम होगा। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो ऐसा नहीं कूलपैड मेरे ऊपर कंप्लेंट रोक दे कि मेरे मोबाइल को आने से पहले ही ऐसा ऐसा कर रहा है। तो चलिए खुद वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा आता है, अच्छा रहा तो खरीदा जाएगा, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, थम्स डाउन। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप बहुत हड़बड़ी मत खरीदिए मोबाइल खरीदने में, ऐसा ना हो कि आप हड़बड़ी में कुछ गलत चीज़ कर ले। अभी रुक जाइए, 2-4 दिन रुक जाइए, अभी आप स्पेसिफिकेशन देख लिए, जो अच्छे अच्छे रिव्यूअर्स हैं उनका देख लिए, मैं तो अभी नया नया हूँ, आप उनका देख लीजिए, आप अपने मार्केट में देखिए, कमेंट्स देखिए क्या क्या लोग खरीदने की बात करते हैं, उसके बाद आप पसंद आया तो खरीदिए, और नीचे बिलो कमेंट में आप कमेंट करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप इस मोबाइल के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप करिए। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका सही आंसर देने पे मैं कूपन कोड दूंगा, उस कूपन कोड को आप AJIO के वेबसाइट पे आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि कूलपैड कूल प्ले 6 इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कितनों को पता है, कितनों को पता लगाते हैं, पता कमेंट करिए, कमेंट कर सही होगा तो आपको कूपन कोड पक्का दूंगा, मैं वादा करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए, और अच्छे रहिए, खुश रहिए, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए। थैंक यू।